स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होने वाला है क्योंकि आपके क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है। जी हाँ, क्लास टेंथ वाले जितने भी विद्यार्थी हैं ना, जो साइंस को लेकर बिल्कुल चिंतित थे कि ये साइंस का केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा यार, कौन अच्छे ढंग से पढ़ाएगा, तो ये आपकी इबादत सर है ना। पूरे मेहनत और मुशक्कत के साथ आज केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर पढ़ाने के लिए आए हैं। मैं आपको बता दूँ, केमिस्ट्री पूरा ख़त्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव का भरमार लगा दूंगा। केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और पिछले साल जो हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो क्रैश कोर्स चलाया ना, उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों ने समझाया। लेकिन फिर भी समय अभी बहुत है और अभी से ही बिल्कुल आप रेगुलर हो जाइए ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। आपको लग रहा होगा कि सर लोग बड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, बट आपको मैं बता दूँ कि सारे विद्यार्थियों के अंदर एक ही चीज़ रहता है कि एग्ज़ाम करीब आएगा तभी हम लोग तैयारी करेंगे और तभी रेस होंगे। तो हम लोग भी उसी तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों का सोच चल रहा है ना, उसी तरीके से पीछे पीछे हम लोग का भी सोच चल रहा है। पता है, जब एग्ज़ाम करीब आता है ना, जिस तरीके से आप लोग एक्साइटेड होते हैं, तो हम लोग भी एग्जाम करीब आता है तभी एक्साइटेड होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ साइंस का केमिस्ट्री का लास्ट लेसन यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में कार्बन एवं इसके यौगिक नाम का जो चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो मैं कहा था कि ये चैप्टर पहले रहना चाहिए, यानी फर्स्ट नंबर चैप्टर ये रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ बेसिक कंसेप्ट से लेकर के एडवांस लेवल तक का है। तो ये पहले रहना चाहिए, उसके बाद से हम लोग और भी चीज़ पढ़ते, धातु अधातु या कार्बन एवं इसके यौगिक वगैरह ये सब पढ़ना होता तो हम लोग बाद में पढ़ते। लेकिन फिलहाल क्या है, ये पाँचवें नंबर पर दिया है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो आगे चल करके हो सकता है कि बदलाव हो। एनीवे, हम लोग को समय वेस्ट नहीं करना है, आइए हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 5, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, जरा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को तत्व के बारे में कुछ इसका परिचय हमारे अंदर, मतलब इसकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या जानकारी रखना है, तत्वों के परिचय के बारे में। ठीक है, तत्व क्या है, तत्व से क्या बनते हैं, ठीक है ना, अगर बनते हैं तो कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत एक बार रिविजन के तौर पर हम लोग को जानकारी अगर हो जाए तो बेहतर रहेगा। देखिए, तत्व मान करके चलिए कि हम कह सकते हैं कि पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग, लेकिन तत्व से भी छोटा चीज होता है जो तत्व को बनाता है, वो है परमाणु। ठीक है ना, परमाणु के बारे में अगर मैं बता दूं तो परमाणु पदार्थ का वो सूक्ष्मतम और संरचनात्मक इकाई होता है जो बड़े से बड़े यौगिक का निर्माण करता है। यानी कि किसी भी पदार्थ का, और पदार्थ कौन सा होना चाहिए, निर्जीव होना चाहिए। सजीव का सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। उसी तरीके से पदार्थ जिसके अंदर जान नहीं होती है, जो नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आता है, उसका सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई को परमाणु कहते हैं। और परमाणु तीन कणों से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन कण से मिलकर क्या करते हैं, परमाणु का निर्माण होता है। देखिए, महर्षि कनाद ने सबसे पहले अपने शिष्यों को बताया था कि चौक से, जब महर्षि कनाद लिख रहे थे तो परमाणु के बारे में उन्होंने बताया था, हालांकि परमाणु नामकरण उस समय नहीं किया गया था। तो उन्होंने चौक से जो लिख रहे थे, तो परमाणु को कण कहा उन्होंने सबसे पहले। महर्षि कनाद ने जब पढ़ा रहे थे अपने शिष्यों को, तो उन्होंने बताया कि बाबू जो मैं चौक से लिख रहा ना, इस चौक का जब छोटा सा छोटा भाग जो है ना, जो चौक को बनाने में पूरा का पूरा जो है साथ दिया, तो यही छोटा सा भाग, यही छोटा सा कण परमाणु है। मतलब बाद में ना इसका नामकरण डाल्टन ने किया और परमाणु नाम रखा डाल्टन ने, लेकिन महर्षि कनाद ने इसे सबसे पहले कण कहा। और यही तीन कण, क्योंकि पता है, मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक वगैरह, ये सब मिल करके भले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज की, लेकिन परमाणु के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सजा करके डाल्टन ने लिखा, जिसका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आप लोगों को पढ़ना होता है 9th क्लास में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि परमाणु में तीन कण होते हैं, तभी जाकर के एक तीनों कण मिलकर के एक परमाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, बिन मतलब एक कण की गैर मौजूदगी में वो परमाणु कभी नहीं कहलाएगा, हालांकि कभी गैर मौजूदगी होगी नहीं, मतलब तीन कण मिलकर के। और यही, ठीक है ना, कोई आप देखिए, अब मान के चलिए कंप्लीट एक परमाणु बनाने के लिए कितना कण की आवश्यकता हुई, मात्र तीन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तब जाकर के एक परमाणु बना। अब सोचिए कि कोई एक परमाणु से एक तत्व बन गया, अब कोई दो परमाणु से भी तत्व बनेगा जिसका उसका नाम अलग होगा, कोई तीन परमाणु से कोई तत्व का निर्माण होगा लेकिन उसका नाम अलग होगा, इसी तरीके से 4, 5, 10, 12, मतलब पूरे तरीके से 118, 120, अभी मान के चलिए कि आधुनिक तत्वों की खोज हो चुकी है, मतलब मान के चलिए अभी पीरियोडिक टेबल में जितना है इतना है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें खोज हो चुकी हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रकृति में अपना मान के चलिए कि प्रकृति में जो गॉड ने प्रोवाइड किया हम लोगों को, 92 मूल रूप से प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, जो एक नंबर में हाइड्रोजन आता है और 92 नंबर में यूरेनियम आता है।
ठीक है ना, और यूरेनियम के टूटने से, और बाकी आप कहेंगे कि सर बाकी और सब कहाँ से आया, तो ये अभिक्रिया के फलस्वरूप और प्रयोगशाला में तैयार किए गए हैं। तो कुल मिला जुला करके मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि सोचिए कि जब परमाणु की बात अगर हम करते हैं तो परमाणु तीन कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये परमाणु मिलकर के क्या बनते हैं, बनाते हैं तत्व बनाते हैं, और ये तत्व मिलकर के अणु या फिर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में हम लोग को तत्वों के बारे में थोड़ा सा मतलब हमने जो परिचय देने की कोशिश की आप समझ गए होंगे। अब आगे चलिए जो मूल रूप से एग्जाम में कहीं ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछ दे तो वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सुनिएगा। एक ही किस्म के परमाणु से मिलकर बनने वाला पदार्थ तत्व कहलाता है। चलिए अब इस पर हम इसी लाइन पर हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। एक ही किस्म के परमाणु, सुनिएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का तत्व क्यों ना हो, मान के चलिए अगर हाइड्रोजन है तो दूसरे हाइड्रोजन के पास जाइएगा ना, तो इसमें जो परमाणु का कैरेक्टर हाइड्रोजन के साथ है वही परमाणु का कैरेक्टर हाइड्रोजन दूसरे के पास भी रहेगा। मान के चलिए कि एक परमाणु से मिलकर बना इसलिए ये हाइड्रोजन हो गया, दो परमाणु से मिलकर बनने वाला हीलियम हो गया, ठीक है ना, तीन परमाणु से मिलकर बनने वाला लिथियम हो गया। लेकिन दूसरे लिथियम के पास जाइएगा ना, दूसरे लिथियम के पास, तो दूसरे लिथियम के पास ऐसा नहीं है कि जो ये लिथियम है इसका परमाणु का कैरेक्टर जो है वो दूसरे लिथियम के पास नहीं रहेगा, नहीं। आप कितना भी हजार लिथियम इकट्ठा कर लीजिए, मतलब लाख ऑक्सीजन इकट्ठा कर लीजिए, लाख सोडियम इकट्ठा कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप एक ही किस्म के तत्वों को एक जगह इकट्ठा करें तो एक ही किस्म के तत्वों में एक ही किस्म के परमाणु विद्यमान होते हैं, एक ही कैरेक्टर के परमाणु विद्यमान होते हैं, तो समान परमाणु के एक समान तत्व बनते हैं, ठीक है ना, और एक समान तत्व से अणु भी बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन अणु बनाने के लिए एक समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी तत्व को मतलब निर्माण कराने के लिए एक समान परमाणु होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ही किस्म के परमाणु से मिलकर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए लिथियम जो है तीन परमाणु से मिलकर बना है, उसी तरीके से मान के चलिए सोडियम अगर ले लें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर 11 होने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, इसका मतलब कि इसमें 11 का प्रोटॉन, 11 का न्यूट्रॉन और 11 का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। हालांकि एक प्रोटॉन बराबर 1800 इलेक्ट्रॉन होता है, वो बात की बात है, वो बहुत डीपली ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर सुनिए मोटा मोटी जो 10th क्लास में पढ़ना है, बाकी आगे आप जाएंगे तो बहुत अच्छा से डीपली केमिस्ट्री का ज्ञान मिल जाएगा। सुनिएगा, मान के चलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का कैरेक्टर अलग होगा, यानी ये सोडियम का जो परमाणु संख्या है और जो परमाणु संख्या से जो सोडियम बना है, ये सोडियम का नेचर अलग होगा मैग्नीशियम की अपेक्षा, ठीक है ना। सोडियम का इसके पहले वाला, मान के चलिए ये सोडियम है के बाद मैग्नीशियम आता है, तो भले इसका एटॉमिक नंबर 12 है लेकिन नियरेस्ट द एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप मत सोच लीजिएगा सोडियम के बाद तो सर मैग्नीशियम ही ना आता है तो क्या हो जाएगा, लगभग मिलता जुलता होगा, नहीं, मिलता जुलता सिर्फ अगर ये धातु है तो ये भी धातु हो सकता है, लेकिन परमाणु सेम होना चाहिए, तो ये सेम दूसरा सोडियम की तरह हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 11 का परमाणु से बना है, ये भी 11 का परमाणु से, दूसरा मैग्नीशियम लेकर के आइएगा ना तो वही 12 परमाणु से मिलकर बना, वो परमाणु, ठीक है ना, से मिलकर बनने वाला मैग्नीशियम, और ये परमाणु 12 से मिलकर बनने वाला मैग्नीशियम, ये दोनों सेम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मान के चलिए कि सोडियम के पहले नियान है, ठीक है ना, तो नियान का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, तो कभी भी नियान सोडियम की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है क्योंकि ये 10 परमाणु से मिलकर बना है। तो बातें आपको समझ में आ गई होगी कि एक ही किस्म के परमाणु से मिलकर बनने वाला, ठीक है ना, पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, यहाँ पर देख लीजिएगा तत्व कहलाता है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब आइए बात करते हैं पदार्थ हमारे आसपास में तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित है। अब आप कहेंगे कि सर तत्व के रूप में उपस्थित है, यस बिल्कुल। देखिए आपको डायरेक्ट परमाणु अब नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि परमाणु से मिलकर तत्व का निर्माण हो गया है, ठीक है। परमाणु कब मिलेगा आपको, जब प्रयोगशाला के अंदर उसका डीप अध्ययन करेंगे ना तो फिर आपको परमाणु देखने को मिलेगा, ठीक है ना, परमाणु का वो तीनों कण देखने को मिलेगा अगर आप प्रयास करें तो, अन्यथा आपको तत्व ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमारे देखिए पदार्थ हमारे आसपास में तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में, यानी तीन फॉर्मेशन है, देर आर थ्री फॉर्मेशन, ठीक है ना, यहाँ पर तीन क्या बोले तीन रंग रूप में यहाँ पर हमारे क्या है हमारे आसपास में मौजूद है। अब देखिए भाई तत्व किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया तत्व किसे कहते हैं, परमाणु से मिलकर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। यानी कि हमें तत्व मिल सकता है, तत्व में हाइड्रोजन मिल सकते हैं, हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मतलब टोटल मिलाकर 1, 18, 20 जितने भी तत्व मौजूद है हमारे इस माने धरती पर वो मिल जाएंगे, ठीक है ना, और यही तत्व मिल करके मिश्रण का निर्माण करते हैं। अच्छा, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर समझिएगा, मिश्रण जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं
ठीक है ना, जो होमोजीनियस होते हैं, एक होते हैं जो होमोजीनियस होते हैं। घबराइएगा मत, देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है तो क्या है, एग्ज़ाम अभी मान के चले कि अभी बहुत दिन है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जब मतलब हड़बड़ी नहीं है। सुनिएगा, मिश्रण एक होमोजीनियस हो गया, एक हो गया हेटरोजीनियस, ये हो गया समांगी मिश्रण, ये हो गया विषमांगी मिश्रण। भाई समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण देखिए दो तत्वों के मिलने के बाद, ठीक है ना, जो मिश्रण तैयार होता है ना, या दो पदार्थ हो, दो पदार्थों का ही या दो तत्वों का ही है, ठीक है ना, मान के चलिए कि दो तत्वों के मिलने के बाद, ठीक है ना, मालूम ही नहीं चले कि ये दो तत्व आपस में मिले हुए हैं, तो ये हो गए समांगी मिश्रण, और दो तत्व मिलने के बाद मालूम चल जाए कि ये दो तत्व मिले हुए हैं तो ये हो गए विषमांगी मिश्रण। बातें समझ में आ गई, तो मिश्रण में भी मौजूद है, यौगिक में भी है। देखिए कभी भी तत्व की अभिक्रिया के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है, अणु का भी निर्माण होता है, यौगिक का भी, यौगिक का छोटा सा पार्ट अणु कहलाता है, और अणु और धातु या अधातु मिलकर के आपस में अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं, एक बहुत बड़ा कंपाउंड, एक बहुत बड़ा यौगिक, ठीक है ना, के रूप में भी हम ऑलरेडी देखते हैं, ठीक है ना, हमारे वातावरण में मौजूद होता है, हमारे धरती पर बहुत सारे चीज़ें यौगिक के रूप में, पदार्थ के रूप में, मान के चलिए एक कंप्लीट, मान के चलिए कि कोई भी चीज़ें अगर हम बना दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया, एक यौगिक हो गया, उस यौगिक का नाम हम लोग रख सकते हैं, जैसे चेयर बना दिया, टेबल बना दिया, कुर्सी बना दिया, ये क्या है, एक तरीके का कंपाउंड है, यौगिक है, हम लोग इसका नामकरण कर सकते हैं, यौगिक का नामकरण अलग कर देते हैं। जैसे मान के चलिए सपोज, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, क्या बनाया, Na2O बनाए, यानी सोडियम का ऑक्साइड बनाए। तो सोडियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्व हैं कि नहीं है, एक है धातु और दूसरा है अधातु, इन दोनों के बीच क्या हुआ, आयनीकरण हुआ, यानी माने मान के चलिए कि आयनों का आदान प्रदान हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो कंपाउंड बना वो सोडियम का ऑक्साइड बना, तो सोडियम ऑक्साइड इसका नामकरण हमने कर दिया कि नहीं कर दिया, नहीं तो हम चाहते तो सोडियम और ऑक्सीजन कहते हैं, लेकिन नहीं, इसका नामकरण डायरेक्ट कर दिया सोडियम ऑक्साइड, तो ये भी एक कंपाउंड हो गया, तो कंपाउंड के रूप में उपस्थित है। तो आप देखते होंगे कि मान के चलिए कि हम लोग जो जल पीते हैं वो क्या है, H2O है, ठीक है ना, उसी तरीके से सोडियम का ऑक्साइड, ठीक है ना, फिर मान के चलिए कि सपोज मान के चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बन वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आपको, ठीक है ना, यौगिक के रूप में मिल जाएंगे। सन 1800 तक केवल मात्र 30 तत्वों की खोज हुई थी, कितना, 30 तत्वों की। अब सुनिएगा, 1800 तक कितने तत्वों की खोज हुई थी, 30 तत्वों की, और इतना ही, 30 तत्वों की खोज में सबसे पहले, ठीक है ना, आपकी बुक में एक टॉपिक है कि कैसे जो है अव्यवस्थित तत्वों को व्यवस्थित किया गया, माने अव्यवस्थित तत्व जो छितिर बितिर थे, मान के चलिए कि हाइड्रोजन मिला, ठीक है ना, लिथियम मिला, पोटेशियम मिला, सोडियम मिला, ये सब मिला इधर उधर, बीच बीच में जो नहीं मिला, ठीक है ना, वो बाद में जा करके, ठीक है ना, वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है ना, एक पीरियोडिक टेबल तैयार किया, जो हम लोग आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल करते हैं वो हेनरी मोजले का। तो मान करके चलिए कि जब पहली बार पूरे तत्वों की तो खोज नहीं हो गई थी, तो जब जितना भी तत्वों की खोज हुई थी उसमें से टोटल 30 थे, ठीक है ना, यानी मान के चलिए कि पूर्ण रूप से 30 का बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया गया था, ठीक है ना, लेकिन वो छितिर बितिर थे, उनको मालूम ही नहीं चल रहा था कि किस श्रेणी में और कितने हिसाब से रखा जाए, ठीक है ना। तो हुआ ये था कि अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, ये आपका एक टॉपिक है, बुक में दिया हुआ है। तो तत्वों का वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास अव्यवस्थित तत्वों को व्यवस्थित करने में लगा वैज्ञानिक सबसे पहले, ठीक है ना, ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया, यानी सबसे पहले वैज्ञानिक क्या किया, धातु और अधातु में विभक्त कर दिया। अब भाई धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, इसका भी हम लोग जानकारी ले लें। देखिए भाई एक बात मैं बता रहा हूँ, धातु की अगर बात करें तो आप लोग बच्चों वाली एक स्टेटमेंट जानते होंगे, बच्चों वाली स्टेटमेंट जानते होंगे क्या, कि धातु कठोर होता है जबकि अधातु कठोर नहीं होता है, धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है जबकि अधातु ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मान के चलिए कि आप एक स्टैंडर्ड लेवल के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, आप तो कम से कम मान के चलिए 9 क्लास पार करने के बाद 10वें क्लास में आए, तो थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड लेवल का नॉलेज होना चाहिए। देखिए धातु और अधातु में कैसे वर्गीकृत किया गया, देखा गया कि मान के चलिए ये चीज़ें तो शामिल थी कि धातु कठोर होता है, अधातु कठोर नहीं होता, ये सब चीज़ें देखा गया, इसके अंदर टन टन की आवाज़ होती है धातु के अंदर, और अधातु के अंदर टन टन की आवाज़ नहीं होती है। धातु के अंदर ये भी चीज़ देखा गया, बिल्कुल देखा गया कि धातु के अंदर चमक पाई जाती है जबकि अधातु के अंदर चमक नहीं पाई जाती, लेकिन उसके कुछ अपवाद भी आगे आ गए हैं। लेकिन इसका सही जानकारी धातु का और अधातु का जानते हैं किस तरीके से वर्गीकृत किया गया, देखिएगा धातु और अधातु को वर्गीकृत करने का उपाय ये हुआ कि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, उसको अष्टक नियम के हिसाब से सजाया गया, जैसे 2, 8, 10, 1, 11, सुनिएगा ध्यान से। और मान के चलिए कि ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, ठीक है ना,
ठीक है ना, इसको 2 और 6, ठीक है ना, यानी कि जो कक्षावार सजाया गया, पिछले कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था, पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, सुनिएगा, कक्षा KLMN, ठीक है ना, ये अष्टक नियम था जो हम लोग को इसी में आगे पढ़ना है, सुनिएगा, मैं अभी ही बता दे रहा हूँ। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32। अगर इसमें 8 भी इलेक्ट्रॉन मिल गया तो संतुष्ट, इसमें 18 भी, फिर इसमें 8 भी मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, संतुष्ट। यानी कम से कम के कक्षा के बाद आने वाला प्रत्येक कक्षा फुल होने के बाद कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो असंतुष्ट रहेगा, अर्थात उसको मतलब इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कराने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसलिए पहली कक्षा में तो 2 चला गया, दूसरी कक्षा में 8, चलिए के और एल दोनों कक्षा फूल हो गए, बाहरी एम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। इन्होंने कहा कि पता है धातु और अधातु का वर्गीकृत कैसे किया गया, बाहरी कक्षा में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, सुनिएगा, बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो ये धातु हो जाएगा, लेकिन अगर अधातु की बात आएगी ना तो बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जैसे कि देखिएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन बचा है ना, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, अधातु हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, अधातु हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से सोडियम क्या हो गया, धातु हो गया। क्यों हो गया भाई, क्योंकि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इस तरीके से सारे तत्वों को आप सजा कर देख लीजिएगा, जिसके बाहरी कक्षा में, ठीक है ना, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो धातु है, और जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो अधातु है, और जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो समझ लेना कि वो निष्क्रिय नोबल गैसेस की कैटेगरी में आता है। ये हो गया प्रयास। अब उसके बाद से डोबेराइनर ने आया, डोबेराइनर के त्रिक नियम आया, JW डोबेराइनर, 1780 में उनका जन्म और 1849 में राम के प्यारे हो गए बेचारे। इनका पूरा नाम जोहान उल्फांग डोबेराइनर है। 1817 में, सुनिएगा, 1817 में, यानी जो ज्ञात तत्व थे, ज्ञात तत्व यानी टोटल 30 तत्व थे ना, यहाँ पर देख लीजिए, टोटल 30 तत्व थे। सन 1800 तक 30 तत्वों की खोज हुई थी, उसके आगे भी और कुछ खोज हुआ होगा, लेकिन नो प्रॉब्लम, 30 तत्व ज्ञात थे पूरे अच्छे तरीके से। 1817 में डोबेराइनर ने अपना पहला प्रयास, हालांकि पहला प्रयास किस तरीके से था, पहला क्या था कि धातु अधातु में वर्गीकृत किया गया, लेकिन जब डोबेराइनर वैज्ञानिक आया तो वो अपना प्रयास दिखाया, चूंकि धातु अधातु का पहला प्रयास था, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं खुद लिख दिया हूँ, सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु अधातु में वर्गीकृत किया गया, यानी सबसे पहला प्रयास अगर आपसे पूछे ना कि माने तत्वों को वर्गीकृत माने का सबसे पहला माने प्रयास किस तरीके से रहा था, आप बताइएगा कि सबसे पहले उसको धातु और अधातु में कैटेगराइज किया गया। उसके बाद से दूसरे नंबर में, जो दूसरा को पहले में हम लोग रख सकते हैं, दूसरा को पहले में रख सकते हैं जिसमें वो प्रैक्टिकली देखा गया, सुनिएगा, यहाँ से डोबेराइनर के त्रिक, JW डोबेराइनर, 1780 में उनका जन्म हुआ, 1849 में उनकी मृत्यु हो गई। पूरा नाम जोहान उल्फांग डोबेराइनर, या आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि JW डोबेराइनर का पूरा नाम क्या है, तो जोहान उल्फांग डोबेराइनर। 1817 में 3 तत्व, यानी जितना भी ज्ञात तत्व थी उसमें से 3 तत्वों का त्रिक समूह बनाया, त्रिक समूह यानी 3 तत्वों को उठाया, जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने, यानी आरोही क्रम समझते हैं ना, यानी बढ़ते क्रम में, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, इन्होंने ये बताया, और इसी नियम को त्रिक नियम कहा गया। अब सुनिएगा यहाँ पर ध्यान से, जैसे कि वो बोला कि मान के चलिए, देखिए ये कितना माने जो है ना, मतलब जो प्रेजेंट है उसी सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने 3 तत्वों को निकाला और एक समूह बनाया और बताया कि मान के चलिए कि कोई भी 3 तत्व लगातार ले लीजिए, जो भी ज्ञात तत्व थे उसमें से बोला कि 3 तत्व कोई भी ले लीजिए, लेने के बाद लाइन बाई लाइन से सजाइए, ठीक है ना, अगर धातु उठा रहे हैं तो धातु की कैटेगरी का लाइन बाई लाइन से उठाइए, अगर अधातु उठा रहे हैं तो धातु की कैटेगरी का लाइन बाई लाइन से उठाइए, ठीक है ना। तो 30 तत्व ही ज्ञात हुए थे, कितना, सन 1800 में, सुनिएगा ध्यान से, 1800 में 30 तत्वों की ही ज्ञात हो पाए थे, और इन्हीं 30 तत्वों के बाद इनको लगा था कि अब आगे कोई भी तत्व का, ठीक है ना, माने उसका डिस्कवर नहीं किया जाएगा, उसकी खोज नहीं की जाएगी, इनको यहीं लगा था, लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में थी, ठीक है ना, क्योंकि अगर 30 तत्वों तक ही सीमित रहता तो आज 1 से 18-20 तत्व हमारे सामने नहीं होता, तो सोचिए थोड़ा सा, पॉइंट शुड बी नोटेड, इन्होंने 30 तत्वों में ज्ञात किया और उसमें से 3 तत्वों को बाहर निकाला, निकालने के बाद इन्होंने बोला कि देखिए अब तक तो सबसे प्रथम प्रयास यही था, ठीक है ना, तत्वों को वर्गीकृत करने का सबसे प्रथम प्रयास किया था कि उसको धातु और अधातु में बांटा जाए, तो इन्होंने कहा कि देखिए हमारा त्रिक समूह का यही नियम है कि आप ऐसा करें कि कोई भी धातु या अधातु की कैटेगरी में, अगर धातु से उठा रहे हैं तो धातु का ही तत्व होना चाहिए, अगर अधातु से उठा रहे हैं तो अधातु का ही मतलब तत्व होना चाहिए, अगर धातु से उठा रहे हैं तो धातु का ही उठाइए, लेकिन लगातार 3 तत्वों को माने बढ़ते क्रम में उठाइए, उस 3 को लाइन बाई लाइन से लिखिए, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बढ़ते क्रम में, क्या बोला, आरोही क्रम में रखने की प्रयास कीजिए, रखिएगा
तो उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, मान के चलिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दीजिए, ठीक है ना, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना मान के चलिए प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए लगभग परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। तो यहाँ सुनिएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, तो मान के चलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जोड़ देंगे तो 6 निकल गए, यानी परमाणु द्रव्यमान निकल गए। सोडियम का 11 होता है तो इसलिए 22 हो गया, ये देखिए 6 और 22, और प्लस पोटेशियम का कितना हो गया, 19 × 2 = 38, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, ये आपको एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, सुनिएगा, तो क्या हो गया 38 हो गया। अब जरा सोचिए, इन्होंने कहा कि लगातार जो है ना आरोही क्रम में इनको सजा दीजिए, और पहले वाले तत्व और माने तीसरे वाले तत्व को दोनों को जोड़ दीजिए, और जोड़ करके औसत निकालने का तरीका क्या है, 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा ना तो देखिएगा बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यानी इनको कहने का मतलब कि अब जो भी तत्व ज्ञात होंगे उसमें मैंने मान के चले 2-3 बार प्रैक्टिकल किए होंगे और सही में देखा होगा कि इस तरीके से आ जा रहा है, तो इन्होंने मैंने भविष्यवाणी भी कर दिया कि अब जो भी तत्व अभी आएगा ना, मैंने ऐसा होगा कि कोई भी धातु या अधातु की कैटेगरी से किसी भी 3 तत्वों को निकाल लीजिए और उसको लाइन बाई लाइन से सजाने की कोशिश कीजिए, आपको मिलेगा कि बीच वाला तत्व ऑटोमेटिक, आपको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। पता है क्या हुआ, देखा गया तो ये तो सफल रहा, चलो भाई ये सफल रहा, लेकिन जैसे ही और भी तत्वों की खोज हुई, ठीक है ना, लेकिन इसी में ही, ठीक है ना, थोड़ा सा और मान के चलिए 10-12 तत्वों की और खोज हो गई, तो डोबेराइनर के कुछ दोष निकल करके आ गए। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 यानी त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, जिसके कारण उनका तत्वों का त्रिक वर्गीकरण करने की पद्धति असफल तथा अनुपयोगी रही। क्यों रही भाई, तो सुनिएगा, इन्होंने कहा था उसी के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल करने की कोशिश किया। जाहिर सी बात है कि अगर मैं भी कुछ डिस्कवर करूं और मैं आपको कहूं कि ऐसा करके देखिए ऐसा होता है, ठीक है ना, अगर आप करेंगे वैसा नहीं होगा तो क्या होगा, आप हमें कहेंगे कि सर यहां पर आपका दोष पाया गया, यानी कि यहां पर आप विफल रहे, ये भी विफल रहे, चूंकि यहां तक ये सफल रहे। बाद में जब सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ठीक है ना, और उसके बाद से पोटेशियम, मान के चलिए ये भी तो लाइन बैलेंस है ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 × 11 = 22, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो 12 है तो उसको 2 से गुणा कर दीजिए, जाहिर सी बात है उसका एटॉमिक नंबर निकल जाएगा 12 × 2 = 24। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 2 से गुणा कर दीजिए उसका एटॉमिक मास लगभग निकल जाएगा। यही है तरीका, देखिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ, मैं डायरेक्ट दिमाग में ठोकता हूँ, सुनिएगा, एटॉमिक मास निकलना बहुत आसान है। किसी भी तत्व को याद कर लीजिए, 1 से लेकर 100 तक तत्वों का नाम याद कर लीजिए, हालांकि 1 से लेकर 20 तत्वों का नाम याद किया ना तो भी मैट्रिक आपका मतलब बहुत बढ़िया नंबर आ जाएगा, सिर्फ 20 तत्वों का। और मोटा मोटी वैसे तत्वों का नाम याद कर लीजिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बार बार इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, जो 20 के बाद कभी 56, 57 या मान के चलिए यूरेनियम का भी एटॉमिक नंबर आपको याद रहना चाहिए 92, ठीक है, तो हालांकि उसका बहुत ज़्यादा मतलब यूज और अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 20 तत्व तक ही अगर आप याद कर लेते हैं, अब बाकी जो बीच बीच में कहीं कहीं जो मोटा मोटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है उसको फेमस जो है वो याद कर लीजिए, जैसे सोना चांदी है ना, या फिर मान के चलिए कि लोहा का याद कर लीजिए, या फिर मान के चलिए यूरेनियम के याद कर लीजिए, ये सब फेमस है ना, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि अब देखिए किसी भी तत्व को उठा लीजिए, जितना एटॉमिक नंबर है ना उसको 2 से गुणा कर दीजिए, उसका एटॉमिक मास निकल जाएगा। यहाँ देखिए सोडियम का 11 तो 11 × 2 = 22, मैग्नीशियम का 12 तो 12 × 2 = 24, पोटेशियम का 19 तो 19 × 38, बस हो गया, उसका ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सुनिएगा। अब 22 और 38 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, जाहिर सी बात है 60 आएगा। अब इसको औसत 2 से हम औसत निकालने के लिए 2 से जब भाग देंगे तो 30 आएगा, जब 30 आया तो कहाँ मैच किया 24 से, नहीं ना, इसीलिए ये असफल रहा। तो आई होप कि यहाँ तक मैंने जो कुछ समझाने की कोशिश किया आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आए वो तत्वों को किस तरीके से वर्गीकृत किया उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग नेक्स्ट वैज्ञानिक जो तत्वों को वर्गीकृत करके बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश किया और फिर अंत में वो भी विफल रहा उसके भी बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वैज्ञानिक जो न्यूलैंड ने ये अपने अष्टक नियम को प्रतिपादित किया, मतलब अपने अष्टक नियम को समझाया। इन्होंने कहा कि देखिए न्यूलैंड ने 1866 में परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाया, जैसे कि पिछले वैज्ञानिक जो डोबेराइनर ने था जो अपने त्रिक समूह को मतलब जिस तरीके से परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में और पहले और तीसरे को जोड़ करके जो औसत निकलेगा बीच वाले परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा तत्व का, तो उसी हिसाब से इन्होंने उस को मानते हुए अपने एक कदम आगे बढ़ाया। और ये क्या किया थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। न्यूलैंड ने 1866 में परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाया और उस समय जो तत्व ज्ञात हुए थे वो 56 हो गए थे। वैज्ञानिक जो डोबेराइनर था, ठीक है ना, उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 30 थी और उन्होंने सिर्फ समूह में 3 को रखा।
और इन्होंने क्या किया कि जब 56 ज्ञात तत्व हो गए थे यानी 56 तत्व की डिस्कवर हो गई, तो वैज्ञानिक न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में 8 तत्वों को उठाया। उन्होंने प्रत्येक 8वें तत्व को पहले तत्वों के समान गुणधर्म, इसलिए उसे अष्टक नियम कहा गया। यानी इन्होंने 8 तत्व उठाया और बोला क्या कि धातु हो या अधातु, यानी जितने भी 56 तत्व है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जितने भी 56 तत्व ज्ञात हुए हैं इसमें से किसी भी धातु को उठा लीजिए, अधातु को, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 से लेकर के 8 तक गिनिए। पहला जिस कैटेगरी में है, अगर मान के चलिए धातु से उठाया, तो 8वां तत्व धातु के ही कैटेगरी में आएगा। यानी कि अगर मान के चलिए सोडियम से उठाएं, तो सोडियम से काउंट कीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इसी तरीके से 8 बार गिनिए। 8वां तत्व सोडियम अगर धातु है तो वो धातु की ही कैटेगरी में आएगा। ऑक्सीजन से उठा लीजिए, ऑक्सीजन से भी आगे बढ़िएगा, टोटल माने 8 को काउंट कीजिएगा, यानी ऑक्सीजन के बाद 7 को और काउंट कर लीजिए, तो 8वां तत्व ऑक्सीजन यानी बोले तो अधातु की कैटेगरी में, भले तत्व अलग होंगे, उनका परमाणु संख्या अलग होगा, लेकिन वो अधातु की कैटेगरी में आएंगे। इनको ये कहने का मतलब था, ठीक है। उन्होंने हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम तक समाप्त किया। चलिए ये बात इसमें, इन्होंने संगीत के सुर सारेगामा पधा निसा का सहारा लेने का बताया। बोला कि आप सारेगामा पधा निसा का भी सहारा ले सकते, जैसे देखिएगा सा रे ग म प ध नि सा, सुनिएगा सा एक नंबर पर है, ठीक है ना, रे ग म प ध नि, सुनिएगा एक के बाद, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए ये 8वां तत्व है। इन्होंने कहा कि सा जिस तरीके से स्टार्टिंग में आ रहा है, सारे गामा पधा निशा में संगीत के सुर सारे गामा पधा निशा कहिएगा, तो जिस तरीके से फिर लास्ट सा पर ही आकर के अंतिम शब्द मिलता है, यानी कि सा से शुरू किया और सा पर ही खत्म हो रहा है, तो कहा कि ऐसे भी आप सहारा ले सकते हो, ठीक है ना। यानी कि इनका न्यूलैंड्स का अष्टक दोष भी बाद में मिला। तो कैसे मिला ये भी मैं बताऊंगा, सुनिएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले कि सा से शुरू कीजिएगा तो लास्ट में सा आएगा, उसी तरीके से कोई भी तत्व उठा लीजिए। चलिए हम लोग उठा कर देखते हैं कैसा। जी मान के चलिए कि हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है ना, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है ना, बेरिलियम, बोरान, ठीक है ना, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, हीलियम, लिथियम। अच्छा चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन धातु और अधातु दोनों की कैटेगरी में आते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आइए ना यहाँ से लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, एक मिनट, 1 2 3 4 5 है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, 1 2 3 4 5 6 7, सुनिएगा। यहाँ पर तो अभी हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। जैसे सपोज मान के चलिए ऑक्सीजन से उठाइए, थोड़ा सा ऑक्सीजन से उठा कर देखते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, अल्मोनियम, सिलिकॉन, अब देखिए, ठीक है ना, तो नियान 10 11 12 13 14, तो 2 8 10 4 14, देखिएगा जिसका बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आता है ना, वो भी अधातु की कैटेगरी में आता है। सुनिएगा ये अधातु की कैटेगरी में है, अधातु, ये अधातु है। देखिए ऑक्सीजन से शुरू किया मैंने, क्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन पर आकर के रुका, ये भी अधातु की कैटेगरी में है, ठीक है ना, अधातु की कैटेगरी में। मान के चलिए कि इसी तरीके से न्यूलैंड ने अपना प्रयास किया होगा। मान के चलिए हम आधुनिक तत्व जो हमें याद है, आपको याद है, उसी से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन उस समय जो ज्ञात तत्व थे वो टोटल 56 थे और उसी में से वो उठा रहे होंगे और वो सफल भी हो रहा होगा। लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे सर्च करने वाले व्यक्ति थे, काफ़ी महान व्यक्ति थे, उन लोगों ने भी मतलब ऐसे करके देखा, प्रयास किया, उन लोगों ने भी उथल पुथल करने की कोशिश किया। मान के चलिए कि फ्लोरीन से उठा लीजिए, फ्लोरीन, चाहे मान के चलिए कि मैग्नीशियम से उठा लीजिए, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ देखिए यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम से उठाया, पोटेशियम तक गया, यानी कि ये भी धातु और ये भी धातु। देखिए मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपने मन से एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से आप भी अपने मन से सेट कीजिएगा, तभी जाकर के न्यूलैंड्स का कंसेप्ट समझ में आएगा। मैग्नीशियम से भी उठाया, पोटेशियम तक हम लेकर के गए, तो मैग्नीशियम धातु था, भले ही परमाणु संख्या से बने अलग तत्व तो मिल गए, यहाँ मैग्नीशियम था, यहाँ पर पोटेशियम, यानी कि मैग्नीशियम उठाया, मैग्नीशियम से लगातार मैंने काउंट करते गया पोटेशियम, हालांकि उस समय लगातार ये तत्व नहीं थे, जो भी 56 तत्व थे उसी में से वो काउंट करके और अष्टक नियम बनाया था। हम भले अभी आधुनिक तत्व
जो खोज हो चुके थे आधुनिक पीरियडिक टेबल के हिसाब से, जो हम याद किए आप याद किए उसी से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैग्नीशियम से उठाइए तो पोटेशियम पर सही बात है, ये लागू हो जा रहा है। अच्छा मान के चलिए कि अब यहाँ से हम उठा रहे हैं, अब देखिए जो सफल नहीं रहा उसका देखिए। अब हुआ ये कि देखिए ये क्या कह रहे थे, अब यहाँ पर देखिएगा, अब मान के चलिए कि हम मान के चलिए कि सपोज हम फ्लोरीन से उठा रहे हैं, फ्लोरीन से, फ्लोरीन कार्बन, ठीक है ना, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन नियान सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम सिलिकॉन फास्फोरस। आइए यहाँ पर देखिएगा, फ्लोरीन का 9, ठीक है ना, सोडियम का, नियान का 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्लोरीन सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, आइए सल्फर, ये हो गया क्या चीज़, अल्मोनियम का 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16। आइए ना देखते हैं फ्लोरीन अधातु है कि नहीं है, अधातु है ना, चलिए फ्लोरीन अधातु है, यानी 2 और 7 बारी कोश में 7 को इलेक्ट्रॉन है इसलिए अधातु है। यहाँ देखिए 2, 8, 10, 6, 16 लो, ये भी अधातु, यानी कि यहाँ तक सफल रहा। चलिए आइए इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर मिटाते हैं। अब थोड़ा सा दूसरा तत्व को उठाते हैं, यानी वाकई में सारे गांव पौधा निशा पर हम सजा रहे हैं। इनका जो कहना था कि प्रत्येक 8 तत्वों को पहले तत्व के समान गुणधर्म, मैंने बताया कि कोई भी तत्व उठा लीजिए लाइन बाय लाइन से काउंट करने की कोशिश कीजिए, 8वां तत्व पहले तत्व की तरह, या धातु से उठाएगा तो मान के चलिए कि लाइन बाय लाइन से जाइएगा तो जो मिलेगा 8वां तत्व वो धातु ही मिलेगा, धातु की ही गुणधर्म के मिलेंगे। अगर अधातु उठा रहे हैं, मान के चलिए ऑक्सीजन से उठा रहे हैं, तो आने वाला जो 8वां तत्व होगा वो ऑक्सीजन जिस तरीके से अधातु है वो भी अधातु ही मिलेगा। आइए ना अभी देखते हैं, जैसे कि ये सारे गांव पता नहीं सके पर भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जिस तरीके से सा से शुरू करके सा पर खत्म होता है उसी तरीके से। अब आइए थोड़ा सा दूसरा उठाते हैं, मान के चलिए कि हम उठा रहे हैं लिथियम से, चलिए उठाते हैं लिथियम, बेरिलियम, बुरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। आइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिथियम से उठाया मैंने, ये हो गया धातु, ठीक है ना, और ये हो गया क्या चीज़, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, और जैसे ही गैस की श्रेणी में आएगा कि ये अधातु की कैटेगरी में आ जाता है। अब आइए अब थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पर नाजायज हुआ कि नहीं हुआ, उनका जो बताया हुआ था यहाँ पर विफल हुआ कि नहीं। लिथियम से मैंने शुरू किया और ठीक 8वें तत्व पर गया तो धातु नहीं मिला, यहाँ पर जब धातु है तो यहाँ पर भी आना चाहिए ना धातु, नहीं आया। चलिए अब एक और भी शुरू करते हैं, बेरिलियम से शुरू करते हैं, बेरिलियम से आइए, बेरिलियम से, बेरिलियम बुरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान सोडियम, लो बेरिलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ये 4 होता है ना, अच्छा तो 2 और 2, हाँ चलो ये तो धातु हो गया, ये भी धातु, हाँ ये मिल गया, लेकिन देखिए इसके पहले वाला जस्ट असफल रहा कि नहीं। तो मान के चलिए कि एक गो से असफल हो जाए चाहे 2 गो से, मान के चलिए कि इस तरीके से बहुत सारे आप भी करके देखेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है ना, आप लिख करके देखिएगा, जरूर आपको मिलेगा कि कोई सीक्वेंस जाएगा और जो पहले की अपेक्षा 8वां तत्व दोनों का गुणधर्म मिलाइएगा नहीं मिलेगा, पहला धातु होगा उठाइएगा तो 8वां तत्व अधातु आ जाएगा, माने कुछ हद तक सीक्वेंस मिलेगा, तभी तो ये वैज्ञानिक का मान के चलिए कि किताब में नाम आया है, ऐसे ही थोड़ी ना आया, कुछ हद तक जिस तरीके से हम लोग अभी कर रहे हैं बार बार मैच कर जा रहा है, प्रत्येक पहला तत्व 8वें तत्व से मैच कर जा रहा है, हम जो भी तत्व उठा रहे हैं अभी तक 3-4 एग्जाम्पल हम आपको देने की कोशिश की और सोच रहे थे कि अब जाकर के असफल हो जाएगा साबित हो जाएगा, तो मालूम चल जाएगा कि सही में मिल जा रहा है। तो इसी तरीके से उन्होंने भी ज्ञात किया था और सच में वो सफल हो रहा था, लेकिन एक समय आया कि बहुत सारे तत्वों को ज्ञात हुई और उसके बाद से पहला तत्व उठाया गया धातु, बाद में मिल गया 8वां तत्व अधातु, अधातु उठाया गया तो बाद में 8वां तत्व मिल गया धातु। इसी तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। न्यूलैंड का जो अष्टक दोष था, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था क्योंकि कैल्शियम के बाद आने वाला 8वां तत्व का गुणधर्म पहले के समान नहीं था। हाँ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और 20 के बाद कैल्शियम के बाद स्कैंडियम वैनेडियम टाइटेनियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक वगैरह ये सब जितना भी याद किए होंगे ना। अब मान के चलिए कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, ठीक है ना, टाइटेनियम से शुरू कीजिए, वेनेडियम से शुरू कीजिए, क्रोमियम से शुरू कीजिए, नो प्रॉब्लम, और उसके बाद 8वां वाला तत्व लेकर के आइए, गारंटी के साथ इनका ये अष्टक नियम असफल साबित होगा, अनुपयोगी साबित होगा, इसलिए ये असफल हो गए। यहाँ आइए अब आते हैं नेक्स्ट वैज्ञानिक मेंडलीफ, मेंडलीफ का आवर्त सारणी को समझते हैं। सबसे पहले मेंडलीफ का पूरा नाम डमित्री इवानोविच मेंडलीफ, जिनका जन्म 1834 और 1907 में इनकी मृत्यु हो गई। अब आइए देखते हैं आवर्त सारणी के बारे में इन्होंने क्या बताया। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, चलिए मूल गुणधर्म को ये अपनाया, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान को अपनाया, माने मान के चलिए जो वैज्ञानिक जो भी कुछ बताया
कुछ हद तक सफल रहा, कुछ हद तक असफल रहा। तो मान करके चलिए कुछ हद तक सफल अगर रहा तो कैसे रहा, असफल रहा तो क्यों असफल हो गया, तो असफल को क्यों वो अपनाएगा। मान के चलिए कि सपोज एज फॉर एग्जाम्पल यू आर ए स्टूडेंट, इन फ्यूचर अगर आप वैज्ञानिक बनने जा रहे हो तो आप वैसे वैज्ञानिक को थोड़ी ना फॉलो करेंगे जो वैज्ञानिक ने मतलब असफल रहा, उस रूल को अपनाओगे नहीं, जो सफल रहा वही। हाँ, असफलता की कहानी सुन करके आप सफलता की ओर जाएंगे, ना कि असफलता का रूल फॉलो करके सफल बनेंगे, ऐसा नहीं है। असफलता क्या है, असफलता जान जाएंगे तो एक अलर्ट जारी हो जाएगा आपके अंदर, ऑटोमेटिक आप अलर्ट हो जाएंगे कि ये इस काम को किया तो बेचारा असफल हो गया, अब ये मैं काम नहीं करूँगा, आप वहाँ पर अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन सफलता का हर एक जो है ना उसका रूल और रेगुलेशन को फॉलो करके आप भी सफल होंगे। तो मान करके चलिए कि किसी के अंदर मेरिट है वही ना हम लोग लेंगे, डिमेरिट क्यों लेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को देखा कि परमाणु द्रव्यमान कुछ हद तक सही था तो परमाणु द्रव्यमान को लिया, रासायनिक गुणधर्म जोड़ दिया, रासायनिक गुणधर्म सोचिएगा, यानी परमाणु द्रव्यमान को लिया लेकिन रासायनिक गुणधर्म को भी जोड़ा। रासायनिक गुणधर्म कैसा भाई, देखा गया अष्टक नियम के हिसाब से कौन धातु हुआ और कौन अधातु हुई, यानी कि परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म के समान के आधार पर व्यवस्थित कर दिया। चलो भाई ये भी ठीक रहा। मेंडलीव की आवर सारणी बनाने के क्रम में 63 तत्व ज्ञात हो गए थे। अब सुनिएगा, रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर खूब ध्यान दिया। देखा कि अरे यार हर कंपाउंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एकदम जो है ना पूरा तेला बेला किया हुआ है, मतलब हर कंपाउंड में लगभग ऑक्सीजन और नहीं तो हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। यानी कि इस बात से उन्होंने ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को ज्यादा सक्रिय तत्व माना, क्योंकि अभिक्रिया में सबसे ज्यादा यही दोनों तत्वों को देखा। कौन देखा भाई, मेंडलीव ने देखा। उस समय तक जब 63 तत्व ज्ञात हो गए थे तो 63 तत्वों में देखा कि सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, मान के चलिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना हर कंपाउंड में देखने को मिल रहे हैं। अब आइए यहाँ पर आगे देखते हैं, मेंडलीव आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत, सुनिएगा, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। देख रहे हैं तत्वों का जो गुणधर्म है ना उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ समझते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया ऊर्ध्व स्तंभ, खड़ा खड़ा को समूह का, मान के चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा, समूह का, तथा 36 पंक्तियों को पीरियड का, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है ना मतलब क्षितिज रेखा, तो इसको क्या कहा, 36 पंक्तियों को पीरियड कहा। अब इसके बाद और भी मेंडलीव के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके मैंने मान के चलिए कि इनके आवर्त सारणी के कुछ लक्षण भी है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना देर के इनके मेंडलीव के आवर्त सारणी के और कुछ क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए अब आगे हम लोग तत्वों को आवर्ती वर्गीकरण के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ अच्छे तरीके से सुसज्जित तरीके से जो अपना वर्गीकृत करने का कोशिश किया और हम सभी के बीच जो आज पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो फिलहाल अभी वो वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे बाद में, फिलहाल अभी पढ़ें कि मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव का योगदान क्या रहा, थोड़ा सा मेंडलीव के बारे में समझ लेते हैं। मेंडलीव का देखिए आजकल क्या हो रहा है ना कि दूसरे का क्रेडिट मतलब बहुत ज़्यादा लेने में लोग आगे रह रहे हैं ना, तो फिलहाल मेंडलीव का भी बहुत ज़्यादा हम लोग जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रयोग किया जा रहा है, जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल का जो इस्तेमाल किया जा रहा है ना वो वैज्ञानिक हेनरी मोजली का, लेकिन सबसे ज़्यादा मेंडलीव का नाम आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लीजिए किस्सा कहानी आपको समझ में आ जाने वाला है। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के लक्षण, हालांकि ये भी कुछ हद तक बहुत हद तक इन्होंने अच्छा किया और इनका भी सब कुछ उपयोगी लगभग साबित रहा, और इसी के बेसर वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने कुछ आगे बढ़ते हुए और अंत में इस चैप्टर में वो साबित कर दिया कि मेरा जो मेंडलीव और दोनों का मतलब मान के चलिए वैज्ञानिक हेनरी मोजले और मेंडलीव ये दोनों का जो कम्बिनेशन मिला अंत में जाकर के पीरियोडिक टेबल सफल रहा। सुनिएगा ध्यान से, इस सारणी में यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में, इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया, यानी कि परमाणु भार जो थे उसको बढ़ते हैं, यानी किसी का परमाणु संख्या अगर एक है तो उसका परमाणु भार मान के चले कि एक भी है दो भी है, हालांकि हाइड्रोजन के भी तीन भाग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, नाइन्थ क्लास में भी पढ़े होंगे तो उतना डीपली मैं नहीं जा रहा हूँ चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक तो उसका एटॉमिक मास एक भी होता है, दो भी होता है और तीन भी होता है, उसका तीन तरह का एटॉमिक मास निकलता है, ठीक है ना, वो छोड़िए। तो मान के चलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक या दो भी होता है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर दो है तो दो से गुणा कर दीजिए तो दो दुनिया का चार हो गया। लिथियम का तीन है एटॉमिक नंबर तो उसका दो से गुणा कर दीजिए तीन दुनिया छः एटॉमिक, माने लगभग निकालने का हम बता रहे हैं, हालांकि अगर ऐसे याद कीजिएगा तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास जो लेबोरेटरी के अंदर मेजरमेंट करके जो प्रिंट किया गया है उसको याद कर लेंगे तब तो अति उत्तम। सुनिएगा, इस सारणी में
12 36 पंक्तियाँ यानी कि 1 2 3 4 5 मैंने बताया है, जिसे श्रेणियाँ कहा यानी मेंडलीफ ने कहा, और इस श्रेणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम जिसे समूह कहा यानी कि ग्रुप जो कहा 1 2 3 4 5 यानी खड़ा करा 1 2 3 4 5 6 ठीक है ना, 7 8 ठीक है ना, इस तरीके से 12 ठीक है ना, 36 पंक्तियाँ जिसे श्रेणियाँ कहा। ये एक रही बात तीन को ठीक है ना, इनके लक्षण बताया अपने, मान के चले कि जो पीरियोडिक टेबल तैयार किया उसका लक्षण बता दिया कि मेरे पीरियोडिक टेबल का कुछ इस तरीके का लक्षण है। अब आगे देखिए, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के कुछ लाभ हैं जिसको पढ़ना है, जैसे तत्वों के गुणधर्म के अध्ययन में आसानी हो गई, यानी कि तत्वों का गुणधर्म का अध्ययन करना काफ़ी आसान हो गया मेंडलीफ के आवर्त सारणी से। परमाणु भार का सही ज्ञान मिल गया कि चलो भाई हाइड्रोजन एक नंबर पर है तो एक नंबर पर सही बात है, उसका सबसे कम परमाणु भार है तो इसलिए उसको एक नंबर पर रखा गया, और मान के चलिए उसके उससे ज़्यादा वाले को दो नंबर पर रखा गया, उससे ज़्यादा वाले को तीन नंबर पर रखा गया, उससे ज़्यादा वाले को 4 5 इस तरीके से बढ़ते क्रम में। नए तत्वों की खोज तथा अनुसंसाधन में सुविधा हो गई ठीक है ना। अब आइए मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कुछ हानि भी हुई, जैसे परमाणु भारों को क्रम में परिवर्तन देखने को मिला, थोड़ा बहुत क्रम में परिवर्तन देखने को मिला, अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान माने नहीं मिल पाया, समस्थानी तथा संभारी की खोज हुई तो उस समय थोड़ी सी गड़बड़ होने लगा, समस्थानी मतलब समान स्थान हो ठीक है ना, किंतु उसकी परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, और संभारी का मतलब समान भार हो और उसकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ समस्थानी और संभारी की जब खोज हुई ना तो इस वजह से इनका माने जो पीरियोडिक टेबल था उसमें कुछ तत्वों के साथ गड़बड़ी आ गई। तत्वों का मूल लक्षण उसका परमाणु परमाणु क्रमांक होता है, इस पर भी थोड़ा सा मतलब जो है ना कहीं से ब्लेम आ गया। अब आइए जो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जिस आधुनिक आवर्त सारणी को हम लोग मेंडलीफ का नाम लेते हैं, जिस आवर्त सारणी को हम लोग सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेंडलीफ को देते हैं, हालांकि मेंडलीफ से देखिए हर वैज्ञानिक जो एक के बाद एक आया ना वो पिछले को ध्यान में रखते हुए ही अपना आगे का पीरियोडिक टेबल तैयार किया। जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी में आप भी कभी कुछ आगे चल करके केमिस्ट्री का रिसर्चर बनोगे, फिजिक्स का रिसर्चर बनोगे, बायोलॉजी का रिसर्चर, तो पढ़ लिख करके जब आगे बढ़ोगे ना तो पिछले वैज्ञानिकों का रिसर्च किया हुआ किताब को पहले पढ़ोगे कि कैसे वैज्ञानिक सफल रहा और किस तरीके से किया तो असफल रहा, उस तरीके से आप पिछले डेटा को जान करके ही आप आगे कुछ करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी में कुछ भी अगर आगे करना है तो पिछले डेटा को जान करके ही और उसके किए गए रिसर्च को जान करके ही आप आगे कुछ रिसर्च करेंगे। तो कुछ इसी तरीके से था ठीक है ना, कि जैसे जैसे वैज्ञानिक आगे आता गया, पिछले वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन किया कि वो सफल कैसे रहा, तो सफल रहा तो कैसे रहा, अगर माने विफल रहा मान के चलिए असफल रहा तो कैसे असफल रहा, ये सारी चीज़ों को ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने माने आगे आए जाने वाले जितने भी माने वैज्ञानिक थे वो अपना जो है कि एक्टिविटी दिखाया। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है ना ये हेनरी मोजले सन 1913 में बताया कि तत्वों परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है, यानी कि इन्होंने क्या बताया वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने, थोड़ा सा दिमाग लगा करके सुनिए ठीक है ना, एकदम सही ध्यान केंद्रित कीजिए। वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने कहा कि परमाणु जो संख्या होता है ना, परमाणु संख्या के हिसाब से लगभग परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान का जो गुणधर्म है ना वो लगभग मिलता जुलता है। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या अगर आपको याद है उसको 2 से गुणा कर दीजिए तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकल गया, तो परमाणु संख्या से कुछ रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है कि किसी भी तत्व का अगर परमाणु संख्या आप जानते हैं तो उसका परमाणु द्रव्यमान आसानी से लगभग निकाल लेंगे, हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू लेबोरेटरी के अंदर ही पता चलता है। तो सपोज मान के चलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 याद है तो उसको 2 से गुणा कर दीजिए, 11 × 2 = 22, उसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। उसी तरीके से मान के चलिए अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है तो मान करके चलिए उसको 2 से गुणा कर दीजिए तो 13 × 2 = 26, तो उसका एटॉमिक मास निकल गया। तो इन्होंने कहा कि जो उनका परमाणु संख्या होता है ना, जो परमाणु संख्या वो लगभग ठीक है ना परमाणु द्रव्यमान का, ये देखिएगा परमाणु द्रव्यमान का आधारभूत गुणधर्म है, तथा तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी भी तैयार की गई है, यानी कि तत्वों का जो परमाणु संख्या है ना, देखिए वैज्ञानिक हेनरी मोजले बहुत चालाक था, सबका ध्यान केंद्रित किया कि डोबेराइनर था ठीक है ना, वो अपना त्रिक नियम में क्या क्या किया, सबसे पहली बार जब खोज हुई तत्वों का ठीक है ना और उसको वर्गीकृत किया तो धातु अधातु में किया गया तो किस हिसाब से किया गया, फिर डोबेराइनर अपना त्रिक नियम जो लागू किया कैसे सफल रहा कैसे असफल रहा, फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम को ध्यान में रखा, फिर मेंडलीफ की आवर्त सारणी को भी वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने अध्ययन किया, उसके बाद से अपना पीरियोडिक टेबल लेकर के आ गया ठीक है ना। और अंत में इन्होंने बताया कि जानते हैं जो भी एटॉमिक नंबर
के हिसाब से तत्व को तैयार किया गया ना, बस उसी को एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजा दीजिए, पीरियोडिक टेबल बनकर तैयार। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पाँच, छः, सात, इसी तरीके से सजा दीजिए। उसने दिमाग लगाया, जो भी तत्वों की खोज हुई थी उस समय तक, मान करके चलिए कि सपोज मान के चलिए कि अगर 80-85 तत्वों की खोज हो गई और उसने देखा कि एक के बाद दूसरा गायब है, तीसरा है, तीसरा चौथा पांचवा है और छठा गायब है, सातवां है, आठवां है, नौवां गायब है, दसवां, ग्यारहवां है, तो जाहिर सी बात है कि उसके परमाणु द्रव्यमान को अध्ययन किया। देखा कि यार परमाणु द्रव्यमान प्रत्येक की परमाणु संख्या को 2 से गुणा करने पर परमाणु द्रव्यमान लगभग निकल जा रहा है। तो उसने परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या को अध्ययन करके उसने क्या किया कि लाइन बाय लाइन से सजा दिया और जहाँ पर बीच में देखा कि इसका माने बीच में गए, सपोज मान के चले एक के बाद तीन, चार, पाँच आ रहा है, सात गायब है, आठ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसका स्थान छोड़ देंगे। इसने क्या किया, वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने अपने पीरियोडिक टेबल में स्थान छोड़ दिया कि यहाँ पर जरूर ऐसा माने कोई तत्व का खोज होगा जिसका परमाणु संख्या ठीक है ना 2 आएगा, यानी कि मान के चले एक के बाद 3 आ रहा है तो 2 जरूर आएगा, ऐसा अनुमान करके ये छोड़ दिया और सच में ये सफल रहा। यहाँ देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के हिसाब से सजा दिया। देखा, यानी उसके परमाणु संख्या के हिसाब से सजा दिया। आसानी से परमाणु संख्या है तो उसका परमाणु द्रव्यमान भी निकल जाएगा। परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में सजा जाए 1, 2, 3, 4, 5 करके, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में ठीक है ना 18 ऊर्ध्व स्तंभ ठीक है ना खड़ा खड़ा और 7 36 पंक्तियाँ, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी इस तरीके से पॉट, यानी लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट अगर लकीर खींचते हैं तो ये हो गया 36 और जो खड़ा खड़ा खींचते हैं ना कॉलम ये हो गया 18, ये हॉरिजॉन्टल होता है 36 का मतलब, ठीक है। अब यहाँ जो हेनरी मोजले का पीरियोडिक टेबल है कुछ इस तरीके से है, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, देखिए कुछ इस तरीके से। ये वाला जो है ना पहला कॉलम, ये देख रहे हैं ना, पहले एक नंबर में हाइड्रोजन को रखा और सबसे लास्ट वाला कॉलम में ठीक है ना यहाँ क्या रखा, हीलियम को रखा, यानी उसके ऊपर सबसे पहले, यानी 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से करके लगाया गया है। सुनिएगा, ये वाला जो कॉलम है ना इसमें धातु आया जिसको एस के नाम से हम लोग जानते, SPDF होता है ना जी, SPDF, तो सुनिएगा S में धातु को रखा और उसके बाद से ये बीच वाला जो दिखाई देता है ना बीच वाला, इसमें टोटल अधातु तत्व मिल जाएंगे और यहाँ से देख रहे हैं ना ये जो बना हुआ है ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना, नहीं फिलहाल हम इस तरीके से बनाए हैं, माने ये पूरा लाइन खींच दीजिएगा तो इस तरीके से होगा, लेकिन हम दिखाए हैं कि इसी के अंदर रहने वाले उपधातु आते हैं, ठीक है ना, और उपधातु की कैटेगरी में वही तत्व आते हैं जिसके बाहरी कोष में लगभग 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, या मान के चले कि अक्रिय गैसेस भी आ जाएंगे, ठीक है ना, जिसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं। यहाँ पर देखिएगा पी कैटेगरी में अधातु आएंगे जो पूर्ण रूप से गैसें होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं। उसके बाद से यहाँ पर ये जो दो कॉलम दिखाई दे रहा है, सॉरी दो क्षितिज रेखाएँ वाली कॉलम जो दिखाई दे रहा है, इसको F की कैटेगरी में रखा और इसमें टोटल के टोटल आपको धातु वाली तत्व मिल जाएंगे, यानी कि वर्ग 18 आवर्त सारणी, सॉरी आवर्त 7 और पहले आवर्त में दो तत्वों को रखा, 1, 2, पहले आवर्त में किस में रखा, देखिएगा पहले आवर्त में किसको रखा, दो तत्वों को रखा, पहले आवर्त में ध्यान दीजिएगा, पहले आवर्त में दो तत्वों को रखा, दूसरे आवर्त में 8 तत्वों को रखा, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से करके 8 तत्व, इस तरीके से तीसरे आवर्त में 8 तत्वों को रखा और इस हिसाब से वैज्ञानिक हेनरी मोजले का पीरियोडिक टेबल सफल रहा, जिस वैज्ञानिक हेनरी मोजले का नाम ना लेकर के हम लोग मेंडलीव को क्रेडिट देते हैं कि हम लोग जो मान के चलिए पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेंडलीव का आवर्त सारणी और उस पर लिखा भी रहता है मेंडलीव का आवर्त सारणी, लेकिन यकीन मानिए कि वैज्ञानिक हेनरी मोजले का पूरा पीरियोडिक टेबल सफल रहा, जो आज के इस दौर में आधुनिक जो कुछ भी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं वैज्ञानिक हेनरी मोजले का कंट्रीब्यूशन है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जो बहुत ही मेहनत और बहुत ही एनर्जी के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो क्यों ना वीडियो को लाइक करके जाएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट चैप्टर या फिर नेक्स्ट कोई टॉपिक लेकर के इसी प्लेटफॉर्म पर हम आएं। तो कुल मिला जुला करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप वगैरह चलाते होंगे तो गुरुदक्षिणा के रूप में उसको थोड़ा सा स्टेटस अप्लाई कर दीजिए इसी वीडियो को ले जा करके, ताकि आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी संख्या में ये वीडियो जो है ना प्रसारित हो जाए, स्प्रेड हो जाए। और हम ये कहेंगे अंत में कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।